स्वस्थ जीवन सदा खुशहाली। हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर लेवल मापने के बेस्ट तरीके, बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट मेडिसिन यूज करने के, ब्लड शुगर को किस तरह ठीक किया जा सकता है। साथियों, आज मैं आपको चार महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेस्ट दवाई होती है। अगर आप इन चार दवाइयों को यूज कर लेते हैं तो शुगर जीवन में कभी नहीं होगा, और जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है, ब्लड शुगर है, वो बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आइए साथियों, हमारे साथ आप बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहें। आज इतने बेनिफिटेड वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जो कि सभी आदमियों को इस वीडियो की जरूरत है। आज ब्लड शुगर के बारे में अगर आप देखें तो बहुत तेजी से आदमियों में ब्लड शुगर की संख्याएं बढ़ती जा रही है, जिसमें कभी ब्लड शुगर नहीं होगी, मैं ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल दवाई नंबर एक, दवा का नाम जो ब्लड शुगर जड़ से ठीक करता है वो मैं बताऊंगा अभी जस्ट। दवाई नंबर दो, डाइट बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एक दवाई है। दवाई नंबर तीन, एक्सरसाइज। दवाई नंबर चार, मॉर्निंग वॉक। ये चार दवाइयां मैं साथियों बताने जा रहा हूँ। इन चार दवाइयों को अगर आप यूज करते हैं तो बिल्कुल आप भली भांति जीवन में स्वस्थ रहेंगे और ठीक रहेंगे, और जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी है बिल्कुल वो भी ठीक होंगे। एक प्रश्न है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण, क्या डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो जाएंगे। आप अगर हाँ कहते हैं तो कैसे बताएं, अगर आप ना कहते हैं तो क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? जब इतनी सारी मेडिसिन है तो फिर क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और अगर आप स्वस्थ हैं तो बिल्कुल कभी जीवन में कोई डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। साथियों, मैं ऐसे बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये चार दवाइयां अगर आप जीवन भर लेते रहेंगे तो शुगर बीमारी कभी नहीं होगी। शुगर बीमारी आपको मैं जरा सा बताने जा रहा हूँ, आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, भली भांति जान रहे हैं, सारी चीजों को जान रहे हैं शुगर बीमारी के बारे में, आज सभी लोग परिचित हैं। शुगर बीमारी, इंसुलिन कम बनना या नहीं बनने के वजह से शुगर की बीमारी हो जाती है। शुगर लेवल स्वभाव में है, शुगर सभी के बॉडी में है, लेकिन ये लेवल अगर एक लिमिट से पार कर जाए तो शुगर की बीमारी हो जाती है। और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, कभी जीवन में नहीं हो, तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जीवन में कभी बीमारी ब्लड शुगर की नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो बीमार है वह स्वस्थ होगा, बिल्कुल ठीक होगा। साथियों, मैं चार दवाई का नाम लिया हूं, इस चार दवाइयों को आप समझें। दवाई नंबर एक, दवा का नाम जो ब्लड शुगर जड़ से ठीक करता है, मैं उस दवाई का नाम बताऊंगा। दवा नंबर दो, डाइट। डाइट बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, अगर डाइट अनबैलेंस है तो फिर जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। दवाई नंबर तीन, एक्सरसाइज। अगर जीवन में आप एक्सरसाइज को बनाए रखते हैं तो फिर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल कंप्लीट स्वस्थ हैं आप। एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, यह दवाई में आता है। दवाई नंबर चार, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक तो ऐसा है कि स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ करता है, और जो डायबिटीज से ग्रसित है उन्हें तो बिल्कुल ही स्वस्थ करने में एक दवाई की तरह ये मदद करता है। तो साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शुगर की बीमारी कैसे होती है। मैंने पहले बता दिया कि इंसुलिन नहीं बनने के कारण या इंसुलिन कम बनने के वजह से शुगर की बीमारी हो जाती है। अब साथियों, ये इंसुलिन बनता कहां है? ये इंसुलिन जो बनता है, मैं उसके बारे में अगर डिटेल से बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इंसुलिन पैनक्रियाज, ये सभी गड़बड़ी के वजह से ही, पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं करने के वजह से ही शुगर की बीमारी होती है। शरीर में अग्न्याशय एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि इंसुलिन का स्राव करता है, इंसुलिन को बनाता है। वह स्राव करना, इंसुलिन का बनाना कम कर देता है या बिल्कुल ही बंद कर देता है। अग्न्याशय ये एक भाग होता है शरीर के अंदर में, एक पार्श्व होता है, इसी के वजह से शुगर की बीमारी हो जाती है। अब आप जान लें थोड़ी सी लेवल, शुगर का लेवल कितना, लेवल शुगर होने के बाद शुगर पेशेंट को शुगर पेशेंट कहा जाता है या शुगर बीमारी कहा जाता है। फास्टिंग में अगर आप भूखे पेट सवेरे ब्लड टेस्ट के लिए कहीं भी आप देते हैं
और ब्लड टेस्ट जांच होकर आता है तो आप सर्वप्रथम उनका रीडिंग करें। जब रीड करेंगे तो आपको शुगर का लेवल 100 यानी 100 से नीचे या 100 तक है तो आपको शुगर की बीमारी नहीं है, बिल्कुल आप खुश रहें, बी हैप्पी, बिल्कुल स्वस्थ हैं आप, शुगर की बीमारी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताना जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे साथियों। अगर 100 से शुगर लेवल अधिक जा रहा है 110, 115, 120 तो ये साथियों लेवल बढ़ रहा है, खतरा मंडराने लगा, खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए आप सावधान हो जाएं, आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आप 4 दवाई का यूज करेंगे जो हमने पहले बताया और फिर बताऊंगा नीचे में, इस 4 दवाइयों से आप ये लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। ये 120 तक का मैं बता रहा हूं, लेकिन साथियों अगर 120 से ऊपर फास्टिंग का 40, 50, 60, 70 अगर चला गया तो फिर साथियों दिक्कत है, ये प्री डायबिटीज है, आपको दवाई चलानी पड़ेगी, कम पावर की दवाइयां चलानी पड़ेगी, बिल्कुल चलानी पड़ेगी आपको। अब साथियों आप टेस्ट में फिर 2 घंटे के बाद खाना खाने के 2, ये तो खाली पेट आपने देखा जो कि भूखा पेट कहा जाता है, यानी कि कुछ खाए पिए नहीं, अगर आप इस टेस्ट ब्लड दे दिए तो फिर आप भोजन कर लें, खाना खा लें और 2 घंटे खाने के 2 घंटे के बाद फिर आप टेस्ट दें ब्लड टेस्ट के लिए, आप उसमें देखेंगे, उसे पीपी कहा जाता है, यानी दूसरा टेस्ट खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट दें और लेवल को देखें, अगर शुगर लेवल 140 से कम है तो आपको शुगर नहीं है, या 140 भी है तो शुगर नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है, आप बी हैप्पी, खुश रहें, एकदम सदा खुश रहें, मॉर्निंग वॉक करें और मैं 4 बातें बताऊंगा, 4 दवाई जो बताऊंगा वो आप करते रहें, जीवन में कभी शुगर नहीं होगा आपको और आप शुगर के पेशेंट नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथी। अब आप देखें अगर शुगर लेवल 150 से 190 तक दिखाई दे रहा है टेस्ट में तो फिर आपको सावधान होने की जरूरत है, आप प्री ले शुगर में जा रहे हैं जिसे प्री डायबिटीज कहा जाता है, प्री डायबिटीज में ही आपको सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायबिटीज हो जाएगा, फिर तो काफी समस्याएं खड़ी हो जाती है साथियों। अगर 190 या 200 हो जाए, 210 हो जाए तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं और किसी एलोपैथ के डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, क्योंकि शुगर का लेवल बहुत अधिक हो गया, अब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और फिर आपको दवाई लेने की जरूरत है। अब साथियों मैं जो आपको बताने जा रहा हूं शुगर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें, आप को जो मैंने बताया अभी तो शुरुआत है, इतना बेहतरीन और इतनी अच्छी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि आप अपने स्वास्थ्य को सुधार कर जीवन भर सही से रह सकते हैं। तो साथियों मैंने 4 दवाई का नाम बताया, 4 दवाई में से मैं नीचे से शुरू करता हूं, दवाई नंबर 4 से, दवाई नंबर 4 जो मैंने लिखा है मॉर्निंग वॉक, रोजाना आपको मॉर्निंग वॉक करना है, चाहे शुगर पेशेंट हो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो सदा जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे, कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी, कभी आपके पास शुगर नहीं आएगा, ये मॉर्निंग वॉक, और जिनको शुगर हो गया है उनके लिए तो ये दवाई है मॉर्निंग वॉक। शुगर पेशेंट 2 से 3 किलोमीटर सवेरे मॉर्निंग वॉक करें, अगर अधिक शुगर है तो फिर उनको 2 टाइम वॉक करनी चाहिए, एक सवेरे और एक शाम में, 2 टाइम वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन मॉर्निंग वॉक एनी हाउ रोजाना करना ही है। तो साथियों आप मॉर्निंग वॉक बिल्कुल करें, यह एक दवाई है और दवाई में इनका शुमार है और दवाई में गिनती भी है, आप देखेंगे मॉर्निंग वॉक कितना जरूरी है, जितने भी डॉक्टर होंगे डायबिटिक पेशेंट वाले को बताते हैं कि मॉर्निंग वॉक आपको करना ही पड़ेगा। तो साथियों आप स्वस्थ हैं तो भी मॉर्निंग वॉक करें, अगर डायबिटीज जिनको है तो भी मॉर्निंग वॉक करें। दवाई नंबर मैं 4 से शुरू किया, अब दवाई नंबर मैं 3 बताने जा रहा हूं, एक्सरसाइज, ये भी दवाई में गिनती है साथियों। साथियों आप जिम में जाकर या खुले मैदान में या अपने छत पर कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करें, 45 मिनट का एक्सरसाइज आपके जीवन को गोल्डन जीवन बना देगा, आप बिल्कुल आप एक्सरसाइज में ध्यान दें और 45 मिनट का आप एक्सरसाइज करें साथियों, इस चीज को आप ध्यान में रखें, अब बिल्कुल आप एक्सरसाइज डेली करें। दवाई नंबर 3 जो मैंने बताया, अब दवाई नंबर मैं 2 बताने जा रहा हूं,
डाइट के बारे में। डाइट तो अति महत्वपूर्ण है, खान पान से ही तो शुगर की बीमारी बढ़ते जा रही है। डाइट के बारे में जान लें, अगर दिन का शुरुआत कॉफी या चाय से करते हैं तो फिर कॉफी में फीका चीनी और फीका चाय भी पिए, नमक या नमकीन बिस्कुट का यूज करें, खाने का आदत डालें सवेरे का एक सेब एक अमरूद या अखरोट काजू गेहूं की बनी दो से तीन रोटियां नाश्ते में आप यूज करें, सबसे महत्वपूर्ण डाइट है। दाल का तो अवश्य यूज करें, यह डाइट है सवेरे का डाइट। और अगर दोपहर का खाना खाते हैं तो चावल रोटी हरी सब्जी दाल सलाद अवश्य यूज करें, सलाद आपको अवश्य खानी है। और दूध का यूज करें आप, चावल कम खाएं, अगर 40 वर्ष की उम्र है तो चावल खाना कम कर दें, रोटी खाना ज्यादा कर दें। और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो तो चावल को बिल्कुल ही छोड़ दें, सिर्फ आपको रोटी यूज करनी है, नमकीन चीजें यूज करनी है। तो साथियों दवाई नंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका आपको इंतजार था, डेगोनिल SBL कंपनी की, मैं फिगर भी बगल में लगा रहा हूं, डेगोनिल SBL कंपनी की 30 ml 10 बूंद 3 टाइम, हाफ कप वाटर ले लें, डेगोनिल ड्रॉप 10 बूंद डालकर सवेरे खाली पेट पिए, फिर दोपहर खाली पेट, फिर शाम में खाली पेट 10-10 बूंद 3 टाइम आप यूज करें। जो ब्री डायबिटीज है उनको यूज करनी है, और जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं है तो फिर इन चार दवाई में से तीन ही दवाई आपको यूज करनी है। जैसे दवाई नंबर दो, डाइट सही कर ले, अपना भोजन सही कर ले, ऐसा नहीं कि आप जो भोजन कर रहे हैं तो भोजन में आप बहुत अधिक मीट मसाला बर्गर पिज्जा या बाहर का पैकिंग किया हुआ सामान खा रहे हैं या मिठाइयां बहुत अधिक खा रहे हैं, ये सबको आप अवॉइड कर दें, ये सबको छोड़ दें आप, बिल्कुल मिठाई तो बिल्कुल ही छोड़ दें। तो साथियों जो के ब्लड शुगर से ग्रसित नहीं है उस प्रथम में क्या करें, डाइट का सुधार कर लें, कभी नहीं होगा जीवन में। उसके बाद क्या करें, दवाई नंबर तीन एक्सरसाइज करें, दवाई नंबर चार मॉर्निंग वॉक करें। मैं फिर से कह रहा हूं आप सुन लें, दवाई नंबर एक जो कि मैंने बताया डेगोनिल, ये जिनको शुगर हो चुका है या डायबिटीज का शुरुआत है वो यूज करेंगे, जिनको नहीं हुआ है वो दवाई नंबर दो से शुरू करेंगे, यानी डाइट को सुधारेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, इतना ही करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और इतना ही करने में आपका तो पसीना छूट जाएगा, मैं जानता हूं साथियों। अगर डेली आप इतना करते हैं तो फिर आप सदा जीवन में खुश रहेंगे और कभी आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर जिनको डायबिटीज हो गया है बहुत अधिक है या कम है, ऐसे व्यक्ति इस दवाई से डायबिटीज को बिल्कुल कंप्लीट ठीक कर सकते हैं, डेगोनिल से SBL कंपनी 30 ml की आती है। आप अंग्रेजी दवाई को चलाते रहें उसको बिल्कुल बंद नहीं करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप करें क्या, इनको तीन टाइम आप चलाते रहें, और अंग्रेजी की जो दवाई चल रही है आपकी दो टाइम, उसे दो टाइम खाते रहें। जब आप देखें कि आप स्वस्थ लग रहे हैं तो अंग्रेजी की दवाई एक टाइम कर दें और यह डेगोनिल होम्योपैथ की जो दवा है इसे तीन टाइम चलने दें। जब आप देखें कि और अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट करा के देखें कि आपका शुगर लेवल फास्टिंग में 90/95 यानी 100 तक है तो आप ठीक हैं, और बीपी भी टेस्ट करा के देखें साथ में, अगर आपका 120 है 40 है तो आप ठीक हैं। तो ऐसे अवस्था में क्या करें कि एक टैबलेट जो खा रहे थे आप उनको एक टैबलेट ही कुछ दिन खाते रहें, और डेगोनिल होम्योपैथ की जो दवाई है इसे 10 बूंद 3 टाइम आप खाते रहें। इस तरह आप जब 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना खाते रहेंगे तो उसके बाद उस टैबलेट को बंद कर दें और डेगोनिल होम्योपैथ की जो दवा है इसे 10 बूंद 3 टाइम से बढ़ा करके 15 बूंद 3 टाइम कर दें और इनको खाते रहें। जब आप साल डेढ़ साल खाएंगे तो कंप्लीट आपका ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे, यानी कि ब्लड शुगर आपको ठीक करने में ये बिल्कुल कंप्लीट महत्वपूर्ण दवाइयां हैं।
मैं दवे के साथ कह सकता हूँ कि ब्लड शुगर इनको हुआ है, ये ठीक हो जाएंगे, मैं जिस तरह बताया अगर इस तरह आप चलते हैं। तो साथियों हमारे वीडियो को जो आपने देखा तो इन्हें साथियों में शेयर करें, और जो नए साथी हैं साथियों वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, उसमें और लिखा निकलेगा, उन्हें भी टच कर दें ताकि आपको इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन आपका चालू होने के बाद ही पहुंचेगा। तो साथियों हमारे वीडियो को आप शेयर अवश्य करें, साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, और अगला वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूं इसके बाद, कुछ साथी हमारे कह रहे हैं गाल ब्लाडर स्टोन यानी पीत में पथरी हो गया है, उनके बारे में बनाए मैं बनाऊंगा, और ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं अपने पेशेंट को चलाता हूं और ठीक हो रहा है, बस वही सब दवाई बताऊंगा जो कि बिल्कुल सटीक सही से काम कर रहा है। ये नहीं कि दवाई बहुत सा बता दिए, काम हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऐसे दवाई के बारे में बताऊंगा जो एकदम बिल्कुल 100% वो काम करेगा, बिल्कुल आप ठीक होंगे। उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन के बाद मैं बनाऊंगा किडनी स्टोन जिनको हो गया है उनके बारे में भी। तो हमारे बेस्ट फ्रेंड संजू कुमार जी, श्याम जी बका के, ओमपाल जी यूपी के, और संजू कुमार जी यूपी के, और एक अहमद अली बंगाल के, और एक बहुत सारे हमारे साथी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। तो साथियों इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा, बी हैप्पी।